Today I am going to tell about Golgi Body for 11th bio class. Golgi Body है या Golgi का इसे खोल कैमलो Golgi 1898 में किया। इसे लाइकोपांडिया के नाम से भी जाना जाता है और पौधों में इसे डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। यह एक कोशिकांग है जो कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। प्रायः यह प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक कला के बीच में यह पाया जाता है। अंतर्वाहिनी जलचर के पास अवतक आकार कैसा है? विभिन्न आकार की चपटी और मुड़ी हुई थैलियों का समूह। विभिन्न आकार की चपटी और मुड़ी हुई थैलियों का समूह जो एक दूसरे के समानांतर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक दूसरे के समानांतर स्थित होती है। इनमें संरचना देखा जाए तो प्यालेनुमा होती है, अंदर की तरफ धसा हुआ होता है इनका आकार, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। तो एक को अवतल सतह कहते हैं, दूसरे को उत्तर सतह कहते हैं। जो अवतल सतह होता है अर्थात प्रवेश वाली स्थित होती है उसे सिस फार्म के नाम से जाना जाता है। जो उत्तर सतह होती है उसे ट्रांस फार्म या मेचरिंग फेस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इसकी ये संरचना होती है। प्रायः ये माना जाता है केंद्रक कला और अंतर्वाहिनी जालिका से छोटी छोटी थैलियां निकल करके, संरचनाएं निकल करके इनमें जुड़े रहते हैं जो Golgi का निर्माण करती है। इसका दो फार्म हो गए, एक सिस फार्म, दूसरा ट्रांस फार्म और मेचरिंग फेस के नाम से जाना जाता है। इसके कार्य क्या है? पॉली सेक्रीशन सामर, जैसे पॉलीसेक्राइड्स है, एंजाइम्स है, इन पदार्थ में भरे हुए होते हैं थैलियों में और इनका ये सामर करते हैं। दूसरा, कोशिका विभाजन के समय जब कोशिका एक से दो होती है, एक कोशिका विभाजित होती है, बीच में पौधों में सेल प्लेट बन जाती है जिससे एक कोशिका से दो कोशिका, तो सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट का निर्माण किसको होता है? Golgi काय के द्वारा। इसी तरह सेल वॉल कोशिका भित्ति का निर्माण, सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये पौधों कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, तो पौधों में कोशिका भित्ति के निर्माण में भी ये भाग लेती है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, जो शुक्राणु होते हैं, नर युग्मक होते हैं, उसका जो अग्रपिंडक होता है प्रोटोप्लाज्म और संरचना होती है एक्रोसोम कहते हैं, उसके निर्माण में भी ये भाग लेता है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन्स के उत्पादन में इसकी मुख्य भूमिका होती है और उसे ट्राइकी पुलिस कहते हैं, क्योंकि कोशिका में पाई जाने वाली प्रोटीन और सेल कोशिका झिल्ली के घटक और एंजाइम्स का ये जीव के त्यों अथवा रूपांतरित करके उन्हें छोटी छोटी थैलियों में भर देता है और फिर ये थैलियां अपने अपने गंतव्य मार्ग को चली जाती हैं। क्योंकि विभिन्न पदार्थों का, प्रोटीन का और सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स का, एंजाइम्स की ये छटनी करती रहती है, इसलिए मैं ट्रैकी पोलिस अक्सर पूछा भी जाता है, कंपटीशन में भी आता है, कौन सा ऐसा कोशिकांग है, कोशिका का अंगक है, इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो Golgi काय को ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। और हम लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का निर्माण भी Golgi काय के द्वारा होता है। आज और यह जो कोशिकांग है Golgi काय, या मुख्य रूप से महत्वपूर्ण कोशिकांग है कोशिका के लिए, या यूकैरियोटिक कोशिकांग पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकांग जैसे बैक्टीरिया है, लेकिन एल्गी है, इन समय ये कोशिकांग नहीं पाए जाते। इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोग जो है इसके बारे में Golgi काय और Golgi बॉडी नामक कोशिकांग के बारे में अध्ययन किया दर्शाते हैं।